हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा भी सुनीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग का प्रयागराज का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका पाठ्यक्रम लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपको विस्तार से समझाया है कि आपके जो पाठ्यक्रम में जिस तरह से आपका सिलेबस आएगा वो सब हमने आपको इसमें विस्तार से समझाया है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें जो है आपका जो आपका आएगा पहली यूनिट में हिंदी भाषा का इतिहास आएगा। उसके बाद इसमें जो पहला है आपका हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें आप प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और उनके अंतर संबंध के बारे में पढ़ेंगे। अपभ्रंश अवहट पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, आरंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुपयुक्त रूप, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, वर्गीकरण तथा क्षेत्र, प्रारंभिक हिंदी के विविध रूप, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी दक्षिणी हिंदी काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास, ये सब पढ़ेंगे। काव्य भाषा के रूप में आप ब्रज भाषा का उदय और विकास पढ़ेंगे। साहित्यिक हिंदी के रूप में आप खड़ी बोली हिंदी का उदय और विकास पढ़ेंगे। फिर दूसरे पॉइंट्स में आप मानक हिंदी का भाषा भाषा वैज्ञानिक वितरण पढ़ेंगे। उसमें हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, हिंदी की रूप रचना, लिंग वचन कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा स्वरनाम विशेषण क्रिया रूप हिंदी वाक्य रचना, ये सब आप हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आप हिंदी भाषा का प्रयोग के विविध रूप, बोली मानक भाषा राजभाषा राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। फिर है इसमें आपकी प्रयोजन मूलक हिंदी के संवैधानिक स्थिति और भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी। दोस्तों ये जो आपका है फर्स्ट यूनिट में हिंदी भाषा का इतिहास, ये सारा आपका जो सिलेबस है ये वाला जो आपका सिलेबस है ये सारा आपका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। अब आते हैं फर्स्ट यूनिट में ही आपका जो है फिर दूसरा पॉइंट है आपका नागरी लिपि का इतिहास। जो नागरी लिपि का जो इतिहास का विकास है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। पहला है इसमें नागरी लिपि का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नागरी लिपि की आप विशेषताएँ पढ़ेंगे। फिर तीसरे में आप जो कंप्यूटर और देवनागरी लिपि से संबंधित सुविधाएं एंड सॉफ्टवेयर है उसके बारे में, उसके यूनिकोड। तो ये फर्स्ट यूनिट का दूसरा आपका टॉपिक है। फिर आपका जो तीसरा टॉपिक है ये है आपका हिंदी की विस्तारीकरण के व्यक्तिक्रम संस्थागत प्रयास। इसमें जो आप पढ़ेंगे नंबर वन पर आप ये पढ़ेंगे इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी प्रसार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्तियों या संस्थाओं का योगदान, हिंदी में संबंधित सरकारी संस्थाएं एवं विभाग, सम्मान पुरस्कार, पत्र पत्रिकाएं, हिंदी के जनमाध्यम, हिंदी पोर्टल वेब पोर्टल, ये सब इसमें आप पढ़ेंगे। ये फर्स्ट यूनिट चल रही है अभी। हिंदी साहित्य का इतिहास है फिर इसमें फोर्थ पॉइंट पर, ये हिंदी साहित्य का इतिहास में इसमें आप साहित्य के इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ उनकी विशेषताएँ, ये सभी हैं। फिर इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में आप पढ़ेंगे आदिकाल, जो आपका आदिकाल है जो फर्स्ट नंबर पे ही जब कालों का विभाजन होता है तब उसमें आता है। आदिकालीन साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक पृष्ठभूमि, धार्मिक साहित्य, सिद्ध जैन नाथ साहित्य, ये सब जो आदिकाल का जितना भी है ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आता है आपका भक्तिकाल। भक्तिकाल में जो है सभी को लिया गया है, भक्तिकाल की पृष्ठभूमि है इसमें। फिर आंदोलन किस तरह से हुआ, उसके प्रमुख जो दार्शनिक सिद्धांत हैं सारे सिद्धांत ही इसमें लिए गए हैं। काफ़ी लेंथी ये सिलेबस जो है लिया गया है आपका। और फिर दूसरे नंबर पर है आपका रीतिकाल। रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की जो है प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उनके बारे में। फिर आपका आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में फिर आधुनिक काल में क्या क्या लिया है, आधुनिक काल में जो लिया गया हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, जो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद, नई कविता, इसके प्रमुख कवि, समकालीन कवि, आधुनिक काल में ये सब है। फिर उसके बाद आता है आपका हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, फिफ्थ नंबर पर, ये पाँचवें नंबर पर आपका आता है।
चलिए देखते हैं आगे। इसमें हिंदी गद्य विधाओं में सबसे पहले हिंदी का जो है उपन्यास है, हिंदी का जो उपन्यास को लिया गया है। इसमें उपन्यास की अवधारणा प्रेमचंद से पूर्व के, प्रेमचंद के युग के, प्रेमचंद के पूर्व के बाद के जितने भी उपन्यासकार हुए उनके बारे में बताना है। फिर उसके बाद हिंदी कहानी के बारे में, हिंदी कहानी का उद्भव विकास कैसे हुआ और कहानी जितनी भी कहानियाँ हैं उनकी प्रवृत्ति और जितने भी कहानी के युग के जितने भी लेखक हुए उनके बारे में। फिर आपका है हिंदी नाटक, हिंदी नाटक के बारे में बताना है, मतलब आपको पढ़ना है उसके बारे में, उसका संक्षिप्त परिचय, नाटक का विकास किस तरह से हुआ, भारतेंदु युग में, प्रसाद युग में, प्रसादोत्तर युग के बाद जितने भी नाटक और एकांकी हैं और एकांकीकार हैं उनके बारे में आपको सब ये पढ़ना है। फिर है आपका निबंध, हिंदी निबंध का विकास किस तरह से हुआ, हिंदी निबंध के प्रमुख भेद और उसके प्रमुख निबंधकार। फिर है आपकी आलोचना, आलोचना में भी इसका उद्भव विकास, प्रमुख आलोचक, उनकी आलोचना, हिंदी के कथेतर गद्य विधाएँ जो हैं, गद्य विधाओं के बाद जो बाकी विधाएँ हैं इसमें संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, रेडियो, एकांकी, डायरी, साक्षात्कार, इन सब के बारे में दोस्तों आपको पढ़ना है। फिर आपका जो है 6 नंबर पर जो आपका आता है साहित्य शास्त्र और आलोचना। काव्य शास्त्र सभी आपको पता है दोस्तों कि ये दो भागों में है, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य और भारतीय शास्त्र, इन सब के बारे में एक साथ ही दे रखा है। काव्य शास्त्र में भारतीय शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये दोनों एक ही साथ इसमें दिए गए हैं। फिर 7वें नंबर पर है दोस्तों आपका हिंदी आलोचना और पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणा। इसमें जो आलोचना के पारिभाषिक शब्द और अवधारणाएं देनी, मतलब पढ़नी है आपको, काव्य भाषाएं, बिंब, मिथक, कल्पना, फैंतासी, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पर इसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, अनुभूति, अप्रस्तुत योजना, दोस्तों सब आपको मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूंगी इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें आप देख लेना क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो अगर मैं आपको सारा ये विस्तार से बताऊंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आते हैं हम इसके अगले पॉइंट्स पर जो आपके सिलेबस में है। इसमें है प्रमुख रचनाकार और रचनाएँ। इसमें पहले सबसे पहले है हिंदी काव्य। हिंदी काव्य में आपके विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ऐसे जैसे सूरदास जी का इन्होंने भ्रमर की सार संपादक जिसके रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो 21 से 70 तक है दोस्तों। इसका ये जो सिलेबस लिया गया है थोड़ा बहुत ये जो आपका नेट का जो सिलेबस है उससे भी थोड़ा बहुत ये मैच करता है। अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत इसका मटेरियल मिल जाएगा। आप फिर अगले कवि हैं आपके रहीम, केशव, बिहारी, भूषण, रसखान, घनानंद, मैथिली शरणगुप्त, ये सब आपके इसमें कवि दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर हैं सुमित्रा नंदन पंत, सजीदानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानंद माधव मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, सुदामा पांडे धुमिल। अब देखिए भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल आपके नेट के सिलेबस में भी है, तो कुछ कुछ आपका जो सिलेबस इसमें मिलता है वो आपके नेट से भी मिलता है, तो आप अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप इसका थोड़ा बहुत मटेरियल उठा सकते हैं। अब आते हैं कथा साहित्य पर। जो आपका कथा साहित्य है हिंदी उपन्यास, हिंदी उपन्यास में लिया गया है प्रेमचंद जी का गोदान, चतुरसेन शास्त्री का वयम रक्षा में, हजारी प्रसाद देवी का पुनर्नवा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैलांचल, ये आपके नेट के सिलेबस में भी है, भगवती चरण वर्मा का भूले बिछड़े चित्र, शिव प्रसाद का नीला चांद, अमृतलाल नगर का मानस का हंस और यशपाल का झूठा सच, ये भी आपके नेट के सिलेबस में है। फिर आते हैं कहानी पर। ये सब जिनकी कहानी ली गई है, प्रेमचंद जी की, विश्वनाथ शर्मा कौशिक की, गुलेरी जी की, प्रसाद जी की, आकाशदीप या जैनेन्द्र जी की पत्नी कहानी है, भीष्म सहनी की चीप की दावत है, ये सब कहानियाँ हैं। फिर आगे हैं हिंदी नाटक, भारतेंदु, हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी। फिर हिंदी निबंध हैं, हिंदी निबंध में भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये आपके नेट के सिलेबस में भी है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर चंद्रधर शर्मा को धर्म और समाज, लेकिन ये कहानी आपका जो निबंध ये वहाँ पर नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह का आजन की सभ्यता आपके नेट के सिलेबस में भी मिल जाएगा। तो वैसे हम जो ये आपका सिलेबस है इसकी हम वीडियो भी बनाएंगे, अगर आपको जिस टॉपिक को अगर आपका ये हार्ड टॉपिक लगते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि आप इसकी वीडियो बना सकते हैं या नहीं, तो जैसे भी होगा हम आपकी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको नोट के तौर पर डाल सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हाँ, आज हमने आपको जो बताया है कि आपका जो उत्तर प्रदेश का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग की तरफ से प्रयागराज में, तो उसकी वीडियो के आपका जो सिलेबस था उसका सब हमने आपको दिखाया है। इसमें सारा ही सिलेबस है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हिंदी मिरर भी सुनीति के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें।